नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और उसके बाद वीडियो को लाइक कर लें। आपको बाद में वीडियो को शेयर भी करना है। और याद रखें, 4 और 5 नवंबर को हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ दी जयपुर एनुअल डायलॉग समिट 2023, और उसके लिए दोनों लिंक रजिस्ट्रेशन के और क्राउड फंडिंग के नीचे दिए हुए। बात करेंगे साहब बाबर की सेना की, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है उसको अपने यहाँ इसी तरह के नाम रखने का बड़ा शौक है, क्योंकि आजकल तो उनका पिद्दी न पिद्दी का शोरबा वाला हाल है, लेकिन याद उनको वही आता है। उनको मोहम्मद बिन कासिम याद आता है, उनको मोहम्मद गोरी याद आता है, और इसी तरह के वो नाम रखते हैं। क्यों? कि उससे उनको याद आती है कि साहब के देखिए, हमने जो है हिंदुओं पर विजय प्राप्त की थी, हमने हिंदुओं को शिकस्त दी थी, हमने देखिए हमने इनके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर 1000 साल तक राज किया है। इसी के लिए आप इनके जो है क्रिकेटर्स के नाम देख लीजिए, बाबर आजम हैं इनके। कौन? बाबर आजम है इनके कप्तान। तो इसको हम बाबर की सेना कहते हैं। और इस बाबर की सेना की जो कल पिटाई हुई है, ऐसी पिटाई तो भाई साहब, ऐसा रिकॉर्ड है, यानी ये पूरा रिकॉर्ड है, ऐसी पिटाई इनकी पहले कभी भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भाई हारे ही 228 रन से हैं, तो 228 रन से हारने का मतलब है कि रिकॉर्ड कायम कर दिया। और साथ में हमारे जितने भी बैट्समैन थे, अब देखिए क्या कि समस्या हो रही थी, बातचीत हो रही थी कि भाई ये जो टीम है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, नंबर 4 कौन आएगा पक्का नहीं हो पा रहा है, नंबर 4 मिडल ऑर्डर ये सब फॉर्म में नहीं है, ओपनिंग में देखिए पता नहीं शुभमन गिल सेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन बाबर की सेना ने हमारी सारी समस्याएँ हल कर दी। उन्होंने हमारे पहले 4 बैट्समैन जो हैं वो इस मैच में उनको फॉर्म में ला दिया। देखिए रोहित शर्मा ने 50 बनाई और शुभमन गिल ने 50 बनाई और सेंचुरी बना दी। विराट ने ज़बरदस्त 122 नॉट आउट, उसने भी रिकॉर्ड कायम कर दिया, क्योंकि आज तक नाबाद रहकर सेंचुरी बनाने का जो रिकॉर्ड था वो MS धोनी के नाम था, 113 नॉट आउट, और विराट कोहली पहुंच गए 122 नॉट आउट पे। तो भाई बाबर की सेना ने ये तो एक ज़बरदस्त काम किया कि इन्होंने पहले मैच में जो हमारे नंबर 5 और 6 थे, यानी कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, उनको फॉर्म में ला दिया था, और इस मैच में उन्होंने जो पहले 4 थे उनको फॉर्म में ला दिया। तो इस हिसाब से उन्होंने हमारे जो टॉप 6 हैं उनको सबको फॉर्म में ला दिया। और साथ में भाई फिर उसके बाद बॉलर्स ने जो फॉर्म दिखाई वो भी उन्होंने देखी है। ये सब इसके लिए बाबर की सेना को हमें धन्यवाद भी कहना चाहिए, क्योंकि बाबर की सेना जो है वो तैयार होके आई थी कि उनको पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना है। क्यों आत्मसमर्पण करना है? क्योंकि ये बाबर की सेना वैसे कहलाती है, लेकिन है ये नियाजी की सेना। कौन सा नियाजी? अरे वो नियाजी जिसने 1971 में 93,000 सैनिकों के साथ में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो वही किस्सा दोहराया जा रहा है बाबर की सेना का। सुनिए पहले क्या कह रहे थे मैच से पहले, हम नंबर 1 ODI टीम है। अब ये अलग बात है कि मैच शुरू होने के पहले एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 बन गई, ये नंबर 2 हो गए। खैर कोई बात नहीं, नंबर 1 ODI टीम। और हमारे तो साहब देखिए बॉलर्स की बात ही क्या है, 3 के 3 जो हैं वो 150 पर बॉलिंग करते हैं, 150 वाले बॉलर हैं, 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉलिंग करते हैं भाई हमारे। वो 150 की हालत ये हुई भाई कि सबके सब जो हैं वो मार खाए हैं। एक ने 79 रन दे दिए, एक ने और 60 से ऊपर दे दिए, और 2 तो जो हैं वो घायल होकर ही निकल पड़े, घायल हो गए। एक तो पिटाई हो गई कल इतनी बुरी कि वो मक्कर कर गया, बहाना बना गया,
कि साहब आज जो है यानी जो रिज़र्व डे जिस दिन 147 से आगे खेलना शुरू किया भारत ने, तो वो पहले ही मक्कर करके पड़ गए, क्योंकि पहले ही उनकी पिटाई जो है वो 7.5 के एवरेज से हो रही थी। तो उन्होंने कहा यार देखो ऐसा है कि बहाना ही बना लेते हैं, अच्छा रहेगा, क्या करें, आके सामने जो विराट कोहली और है याद आ गई उसको, मेलबर्न की, जहाँ पे विराट कोहली ने उसकी बॉल पे 2 छक्के मार के और पूरा का पूरा माहौल बदल दिया था, और इसके ओवर में 20-22 रन बना के मैच जीत लिया था। तो उसको याद आ गई यार वही है विराट फिर से सामने, तो यार मेरे को क्या करना चाहिए। तो वो गया अपने कोच के पास, मॉर्नी मॉर्कल उनका साउथ अफ्रीका वाला कोच है, और उसे बोला वो कोच साहब वो मेरे को थोड़ा सा इधर जो है ना ये दर्द हो रहा है यार साइड में, हाँ ये जो है ना ये जब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो बड़ा दर्द हो रहा है इधर से, तो मैं क्या करूँ। मॉर्नी मॉर्कल जो देख रहा है यार वर्ल्ड कप आने वाला है और हमारा ये 150 वाला, 3-3 150 वाले इनका अटैक, अरे भाई अच्छा अच्छा तू ऐसा कर भाई तू रेस्ट कर, है हम फहीम अशरफ से बॉलिंग करा लेंगे, करवा ली बॉलिंग, 147 रन बने थे पहले 24 ओवरों में और बाकी के 26 में कितने बने, केवल 209, 26 ओवर में 209, आप जरा सोचिए 8 के एवरेज से ऊपर, 8 के एवरेज से ऊपर बना दिए। ये तो हालत है पाकिस्तानियों का, लेकिन वहाँ तक तो ठीक है भाई। देखिए कह सकते हैं कि पिच जो थी वो थोड़ी अच्छा खेल रही थी, पिच थोड़ी सी फ्लैट थी और कंडीशंस जो थी वो बॉलर्स के अनुकूल नहीं थी, तो कोई बात नहीं कभी कभी चल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ भाई उसको देखकर याद आ गया कि है तो ये वाकई नियाजी की सेना, भले अपने आप को बाबर की सेना कहे या औरंगज़ेब की सेना कहे, पता नहीं इसमें खाली बाबर ही क्यों है भाई, बाबर क्यों है खाली, इसमें तो भाई हुमायूं भी होना चाहिए तुम्हारा, इसमें तो तुम्हारा कोई शाहजहां भी होना चाहिए, कोई और भी होना चाहिए इस तरह का ना, जो नादिर शाह भी होना चाहिए, जिनसे जिनसे पिटे हैं ना ये लोग यही, और जिनके जिनके तलवारों के आगे इनके माँ बाप ने सलवार खोल के और इस्लाम कबूल कर लिया उन्हीं के नाम रखते हैं ये, स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं इसको, कि अपने आक्रांताओं से ही इनको प्रेम है बहुत। फिर जो साहब बुमराह ने और सिराज ने बॉलिंग शुरू की तो ऐसा लगा कि भाई ये तो पिच ही बदल गई, इस पिच को क्या हो गया, इनका बड़ा अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी उसकी बॉल नहीं स्विंग हो रही थी, वो पहले ओवर में ही छक्का मार दिया था उसको रोहित शर्मा ने, और यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई अरे ये क्या हो रहा है, बुमराह की बॉल सिराज की बॉल तो दो दो फिट इधर से उधर जा रही है, हो क्या रहा है ये। और देखा आपने बुमराह को इन्होंने फॉर्म में ला दिया, सिराज तो पहले से फॉर्म में चल रहा था, बुमराह फॉर्म में आ गया इनके चक्कर में, और जो बुमराह ने आउट कर दिया इनके पहले ही वो इमाम उल हक, वो इंजमाम का भतीजा है, वो भी सिफारिशी है वैसे, इनके यहाँ सिफारिशी ज़्यादा रहते हैं वैसे। और उसके बाद साहब वर्ल्ड्स नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बाबर आजम, यानी बाबर आजम, आजम मतलब समझते हैं आप, दुनिया का सबसे बड़ा बाबर, लोग कुछ और भी कह सकते हैं भाई, सरकारे आजम यानी कि दुनिया की सरकार, कुछ भी और आजम कह सकते हैं, ये बाबर आजम यानी बाबरे आजम, दुनिया का बाबर। अबे दुनिया का बाबर क्या होता है, दुनिया का बर्बर कह लेना अपने आप को, बाबर क्या होता है। तो ये जो दुनिया का बाबर है उसको जो हार्दिक पांड्या ने बोल्ड किया है, उसको देख के ये लगा कि ये दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है कि बिल्कुल ही निठल्लू है, अनाड़ी है, क्या है बाबर आजम, तो बाबर जो है वो अपनी गली का भी नहीं रह गया, बाबर आजम का दुनिया का बाबर होने की तो बात बहुत दूर की। फिर भैया वो रिजवान भाई हमारे जो हर बार जरा सा भी कुछ होता है तो तुरंत नमाज़ पढ़ने लगते हैं, आपने देखा ना जितनी बार पाकिस्तान कहीं जीतता है ना तो ये रिजवान भाई जो है हमारे वो
नमाज पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और सारे के सारे जितने भी आते हैं इनके इनको कहो कि साहब के बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होते हैं और इंशाअल्लाह से ख़त्म होती है इनकी बात और माशा अल्लाह से जो है इनकी वो बातचीत जो है वो उसके ऊपर परवान चढ़ती है। तो बिना ये कहे हुए इनकी कोई बात नहीं बनती और जो कुछ भी कहते हैं जीतते हैं तो अल्लाह का शुक्र है और जब हारते हैं तो भाई किसका शुक्र दो। अब इनके पुराने इमाम कह गए हैं अल-ग़ज़ाली साहब कि साहब जो कुछ होता है वो अल्लाह ही करता है। तो यार हारे हो तो भी तो नाम उसी का लो ना यार, माशा अल्लाह कहो, क्यों नहीं कहते? नहीं नहीं उसके लिए नहीं, वो तो फिर इनका इम्तिहान हो रहा है, ये तो बेचारों का ये तो इम्तिहान है। तभी तो कुलदीप ने तुम्हारी जो है वो ऐसी तैसी कर दी, फिरकी में ऐसा घुमाया कि किसी की कुछ नहीं समझ में आया। बड़े बड़े क्या नाम फ़ख्र आज़म, अबे काय का फ़ख्र है तुमको? इनको भी दुनिया का फ़ख्र है साहब, ये फ़ख्र आज़म है, ये आज़म आज़म क्या करके लेके घूमते हो हर चीज़ में आज़म? फ़ख्र आज़म जो है उनकी भी हालत ख़राब हो गई साहब, सीधी बॉल पे बोल। अब बाकी का सब जो आप जानते हो, बात तो फिर आ गया 228 आज तक की सबसे बड़ी जीत भारत की पाकिस्तान के ऊपर, 233 नॉट आउट की पार्टनरशिप केएल राहुल और विराट कोहली के बीच में, आज तक की सबसे बड़ी तीसरे विकेट की पार्टनरशिप एशिया कप के अंदर। अब और क्या चाहिए? अब तो देखो फाइनल में तो इंडिया पहुंच ही जाएगी क्योंकि नेट रन रेट इतना हाई है, इतना तुमने नेट रन रेट बनवा दिया है भारत का कि 5 से ऊपर तो नेट रन रेट हो गया, तो अब तो कुछ करने की बात ही नहीं। लेकिन भाई पाकिस्तानियों तुम शॉक्ड मत रहना, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो पलट के आता है धोखे से वार करने, लेकिन इस बार हम तैयार हैं, ध्यान रखें, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।